सो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एकदम इजी है। आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसे आपको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट 7/4। तो जो भी हमको डिनोमिनेटर में दिया, एकदम ध्यान से सुनो, जो भी हमको डिनोमिनेटर में दिया उसको मुझे ऐसे लिखना है 4/4। और 4/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। और 7/4 मेरा पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 के राइट साइड में वो नंबर आएगा। तो देखो कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये मेरा पॉइंट 0 है। ओके, पॉइंट 0। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 4। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। ऑलराइट, तो देखो 4 पार्ट्स में, मतलब ये हो जाएगा मेरा 4/4। अब मुझे क्या प्लॉट करना है, 7/4, मतलब 4/4 के आगे आएगा, तो बस आगे लाइन प्लॉट कर लेंगे। ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 6/4, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 7/4। देखो 4/4 आ गया, 5/4, 6/4, एंड दिस पॉइंट विल बिकम 7/4, और यही मुझे चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा मेरा 3/4, और ये 4/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। पॉजिटिव नंबर, 0 के राइट साइड, दैट्स इट। ये हो गया आपका आंसर। तो ये नंबर लाइन है, उस पर हमने प्लॉट कर दिया 7/4। तो देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है -5/6। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर में क्या है, 6, बट किसका, नेगेटिव का। तो -6/6 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। अब -1। अब एक चीज याद रखना, नेगेटिव है मतलब 0 के लेफ्ट साइड में हर एक आएगा। ओके, तो अगेन मैं पहले एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। तो ये मैंने नंबर लाइन प्लॉट कर दिया इधर। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया मेरा नंबर लाइन प्लॉट। ये पॉइंट मैंने ले लिया 0। अब कितने पार्ट्स है डिनोमिनेटर में, 6। तो पहले 6 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये पार्ट मेरा क्या हो गया, -6/6। ये तो 0 है ही, ये -1/6, ये वाला पॉइंट -2/6, दिस वन -3/6, ये हो जाएगा -4/6, और ये हो जाएगा -5/6। तो मुझे क्या, कौन सा हाईलाइट करना है, -5/6, बस ये पॉइंट को आप कर दो हाईलाइट, दैट्स इट। ये हो गया आपका आंसर। नंबर लाइन, उस पर हमने प्लॉट कर दिया -5/6। बस एक ही चीज याद रखनी है, नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड, पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड। ओके, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन अ नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पे ये सारे पॉइंट आपको प्लॉट कर देने, एकदम सिंपल है। सबसे पहला स्टेप वही, डिनोमिनेटर में क्या है, 11, तो मतलब मैं नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 11 पार्ट्स में। तो देखो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन प्लॉट कर लिया। ओके, सारे नंबर्स कैसे, नेगेटिव मतलब 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, तो दिस इज माय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, that's it। ठीक है, तो ये है 0, ये क्या है -1/11, दिस इज -2/11, दिस इज -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, और ये हो जाएगा -11/11, जो हम सब में करते आ रहे हैं। ठीक है, -2/11 है डिनोमिनेटर में, 11, तो 11/11, दैट मीन्स -1, मतलब 0 से लेके -1 के बीच में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब मुझे कौन सा हाईलाइट करना है, -2/11, तो कहाँ पे, ये रहा। जो भी क्वेश्चन में बोला है उसको आपको जरूर से हाईलाइट करके आना है। ठीक है,
तभी टीचर को पता चलेगा कि आपने कौन सा प्लॉट किया है। फिर -5/11, तो ये रहा -5/11, फिर -9/11, सो दिस इज -9/11। तो इस तरीके से हो गया आपका आंसर सॉल्व। ठीक है।